हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को न्यूक्लियस का डायग्राम बना के दिखाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्टिंग से कैसे बनाएंगे और बहुत इजी वे से बनाना होता है इसको। चलो देखते हैं, पहले हम प्लेन पेपर ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम बनाना चालू करते हैं। तो ये आपका प्लेन पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पर हम लोग पहले एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा छोड़ छोड़ करके। तो ये देखिए सर्कल बनाना चालू कर दिया, आराम से बनाइएगा, अपना राउंडर से बनाइए सबसे बेस्ट रहेगा। ये इतना सर्कल छोड़ दिया हमने, फिर इसके बाद थोड़ा सा और बनाना चालू करिए। इसमें से ये सर्कल जो है आपको राउंडर से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखाई देगा ये बनता हुआ। इसके बाद थोड़ा सा और बना दीजिए, यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल जो आपको बनाना है थोड़ा सा छोड़ छोड़ के सर्कल बनाइएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये यहाँ तक छोड़ दिया हमने, फिर इसके बाद ये और है। तो ये वास्तव में क्या बनाने जा रहे हैं बच्चों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो बना रहे हैं हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने जा रहे हैं। तो आपको दिख गया होगा थोड़ा थोड़ा छोड़ करके बनाया गया है। अब इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा और ऊपर पूरा करने की कोशिश करेंगे इसको। तो देखिए कैसे पूरा होता है, ये ऐसे ले जा करके इसको ऊपर से उठाते हैं और ये ऊपर से एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर जा रहा है ऊपर को और ये होता हुआ यहाँ नीचे आपका कंप्लीट कर गया। देखो सर्कल आपका कंप्लीट हो गया पूरा। ये इसके बाद ऊपर भी थोड़ा सा और कुछ बनता हुआ जा रहा है। ये स्ट्रक्चर भी अपना बना लीजिए पहले, इसका भी हाथ में ये भी देख लेते हैं क्या कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और इसके बाद यहाँ भी ले लेते हैं, इनके ऊपर बच्चों डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने हैं आपको, ये डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए डॉट स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे ऐसे करके, ऊपर की तरफ बनाना है डॉट स्ट्रक्चर, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर इस तरह का। ये यहाँ पर भी डॉट स्ट्रक्चर बना दीजिए और इधर के साइड में भी ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये देखो बना रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट स्ट्रक्चर है ये। तो ये थोड़ा सा डॉट डॉट बना दीजिए इस पे, ये थोड़ा सुंदर लगेगा। हर एक पे ऐसे डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये सुंदर सा लगेगा आपको। थोड़ा दूर दूर पे है ये डॉट स्ट्रक्चर, चलिए ये बन गए हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये आपको डॉट स्ट्रक्चर से बनते हुए दिखाई दे रही है। ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ भी डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलिए डॉट स्ट्रक्चर हो गए हैं आपको दिख रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर भी ये डॉट स्ट्रक्चर अपना ले लीजिए, ये बना दीजिए इसको डॉट स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब इसके बाद ये जो सर्कल आपने पूरा किया है इसको थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से ये इसको ले लेता हूँ मैं, ये सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे मोड़ करके इसको बनाना है आपको। चलिए जो दूसरा देखते हैं हम कैसे बनेगा ये। ये जो नीचे से बनाया गया है ये आपका, ये थोड़ा सा गोल करके इसको ऐसे बनाना होता है और ये राउंड शेप में लेकर जाना है आपको, यहाँ पर ऐसे बना देना है। चलिए और देखते हैं इसको। ये इस तरह से बना लेना है आपको। और इसके बाद जो है ये जो बनाया ऊपर मैंने ये एंडोप्लाज्मिक बना के दिखाया था, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये एंडोप्लाज्मिक है, एंडोप्लाज्मिक।
एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम है ये। ये आपका रेक्टिकुलम बन गया बच्चों। इसके बाद ये जो आउटर लेयर दिखाई दे रही थी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो चलिए इसको बना देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिखा देता हूँ बना करके। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। चलिए इसके बाद जो है न्यूक्लियस आपको दिखाया था, ये न्यूक्लियस से देखिए ये जो बनाया मैंने ये न्यूक्लियस सबका, इसको लिख लीजिए। चलिए इसके बाद अंदर जो है संरचनाएं कुछ इस तरह की बनेंगी। और इसके बाद और न्यूक्लियस देखते हैं जरा क्या बनता है। ये इस तरह का आपका गोला सो दिखाई देगा, छोटे छोटे गोले से बना करके ये गोला दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद जो है ये इसका पूरा कर दीजिए, राउंड सर्कल अपना पूरा कर दीजिए इसको। ये जो बना है ये क्या बना है, ये यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये है न्यूक्लियोलियस, एन यू सी एल ई ओ एल यू एस। और यहाँ पर कुछ जो है क्रोमेटिन नेटवर्क बनेगा और न्यूक्लियर पोर्स है ये। यहाँ पे जो खाली सा स्थान दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियर पोर्स है ये। ये न्यूक्लियर पोर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कुछ जो है थ्रेड टाइप जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये क्रोमेटिन नेटवर्क है और क्रोमेटिन नेटवर्क से ये पूरा भरा हुआ दिखाई देगा आपको। तो केवल अब यही रह गया क्रोमेटिन नेटवर्क बनाना। तो क्रोमेटिन नेटवर्क और बना के दिखा रहा है, इसमें बीच में क्लोरोप्लास्म था या न्यूक्लियोप्लास्म जिसको बोल रही है। ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था ये वाला, ये आपको न्यूक्लियोप्लास्म के नाम से जानते हैं इसको। ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियोपोर्स हो गया आपका। क्रोमेटिन जो नेटवर्क है वो और बनाना मेरे को। बीच में आप देखो यहाँ राइबोसोम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका राइबोसोम्स है बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर ये राइबोसोम है, तो यहाँ पे लिखना है राइबोसोम। ये है राइबोसोम्स। तो अब जानिए इसके अंदर जो मेन जो चीज बची है वो बची है क्रोमेटिन नेटवर्क। वो बना के मैं अभी दिखाऊंगा क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है कैसे, पूरे में छाया रहता है बच्चों। क्रोमेटिन नेटवर्क है इसका नाम। ये क्रोमेटिन नेटवर्क है जो बना हुआ इसमें दिखाई देगा आपको। तो चलिए इसको बना करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए इस नेटवर्क को बना लेते हैं जरा हम, कैसे बनता है ये। तो ये नेटवर्क जो है पूरा तार की तरह से दिखाई देगा आपको। ये इस तरह से चलता हुआ रहेगा पूरा नेटवर्क है बच्चों, ध्यान रखना। ये आप लोग किसी तरीके से बना सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैसे भी चाहिए आपको बना लेंगे। चलिए पहले न्यूक्लियोप्लाज्म बना लेते हैं अच्छे से। ये जो राउंड राउंड शेप में छोटा छोटा जिसमें ये फ्लड सा पूरा बहता है ये। तो
ये छोटे छोटे जो है ये न्यूक्लियर प्लान लिक्विड है, मतलब पूरा भरा हुआ है इसमें, ये लिक्विड्स हैं जो भरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरह से बना लीजिए, जैसे इनको बचा करके चलते हुए दिखाई देंगे हम। ये आपको बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी बना लीजिए, यहाँ पर भी बना दीजिए। इस तरह से पूरे में भर दीजिए इसको, जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ भरते हुए चले जाइए। ये लगभग इसमें हो चुका है, बाकी सब बन चुका है बच्चों। इस तरह अब क्या है इसमें, ये जो नेटवर्क है नेटवर्क ही बनाना है मैं, तो चलिए नेटवर्क को बनाने का प्रयास करते हैं हम। ये नेटवर्क की पूरी तैयारी हो रही बनाने की। नेटवर्क आपको अपने ढंग से बनाना है बच्चों, तो ये जो भी नेटवर्क आपको दिख रहा है इस तरह बनाते हुए चले जाइएगा। यहां से भी बना लीजिए कुछ नेटवर्क भी। बन चुका है आपको, चलिए इसको भी बना दीजिए थोड़ा सा। ये नेटवर्क अपने हिसाब से बनाइएगा, ज्यादा बढ़िया बनेगा।
ये लगभग पूरा तैयार हो चुका है बच्चों, और इसमें जो मेन और जो चीज़ें हम वो आपको डॉट्स बनाने हैं। ये डॉट्स यहाँ बनते हैं बच्चों, ये साइड में ये डॉट्स बनाने हैं आपको। और इस तरह से जो है आपका ये न्यूक्लियस लगभग पूरा तैयार हो चुका है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, ध्यान रखना ये साइड्स में ही बनाने हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर भी बना के दिखा दीजिए, ये साइड्स में ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, ये यहाँ पर बना दीजिए इसका स्ट्रक्चर हल्का सा। ये डॉट्स बनाने जरूरी हैं बच्चों, इसका ये हल्का सा डॉटेड बना दीजिए तो ये आपको बिल्कुल क्लियर निकलेस आपको बनता हुआ दिख जाएगा। मेरे ख्याल से सारा कुछ बन चुका है, जो कुछ रह गया थोड़ा बहुत आप लोग अपने आप कर सकते हो उसको पूरा। ये स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस बन के तैयार हो चुका है, तो नीचे हम लिख देते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो यू कैन राइट हियर, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आपका तैयार हो चुका है। तो मेरे ख्याल से बच्चों बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इस तरह से आप लोग आसानी से ही पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो। राउंडर की सहायता से अगर बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा आपको। और इसी के साथ ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दोबारा सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। आशा करता हूँ इसी प्रकार की और वीडियो में डाल करूँगा, और आप लोग कमेंट करके बताएँ किस तरह के और आपको फिगर बना करके भेजते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर ठीक साथ मैं अगले वीडियो में देखता हूँ।